सेकेंड फायर हुआ। इसका मतलब पूरा रॉकेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ट्रिमिंग मॉड्यूल में दिक्कत है, एंगल गड़बड़ा दिया था। देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। तो गलती से इसे जाना चाहिए था सर्कुलर पे, चल गया इलिप्टिकल पे, जिस वजह से ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया अपने ट्रिमिंग फेज में। इसलिए देखेंगे लास्ट फेज में बस ये 20 सेकंड के लिए यही बच गया था, जिस वजह से ये फेल कर गया था। हालांकि लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार फिर तैयार करेंगे। पहला लॉन्च जो था वो तो पीएसएलवी का भी फेल हो गया था, पहला लॉन्च जीएसएलवी का भी फेल हो गया था। सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले मैच में कहां कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं किए थे, बेहतरीन काम किया था इस सैटेलाइट ने, बट लास्ट में थोड़ी सी सेंसर खराबी की वजह से यह गड़बड़ हो गया था ट्रिमिंग के समय में। हालांकि इस रॉकेट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्मन लाइन को पार कर गया था। कार्मन लाइन क्या होता है ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी से वह ऊंचाई जिसे आप अंतरिक्ष मानते हैं उस ऊंचाई को ही हम कार्मन लाइन कहते हैं। कार्मन लाइन के नीचे अंतरिक्ष, कार्बन लाइन के नीचे वायुमंडल यानी पृथ्वी, और इसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाता है। इसे वैज्ञानिक कार्मन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यह 100 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसे अप्रोक्स 80 से 83 किलोमीटर माना जाता है। कुछ देश इसे 80 मानते हैं, कुछ देश इसे 83 किलोमीटर मानते हैं, उसके ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाता है, यानी एक कार्मन लाइन हो जाता है। 1967 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि कार्मन लाइन से ऊपर का एरिया किसी देश का नहीं है, उसमें कोई भी जहाज कोई भी सैटेलाइट जा सकता है, और कार्मन लाइन के नीचे का एरिया उसी का है जिसके जस्ट नीचे वह देश है। यानी भारत अपने 80 यानी 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई भी मिसाइल जाएगा तो उसे अपने ऊपर खतरा मान के मार के गिरा देगा, कोई जहाज जाएगा तो उसे मार के गिरा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारा एरो स्पेस कितना होता है अपने क्षेत्र से, 83 किलोमीटर। लेकिन समस्या यहां यह आती है कि कोई देश इसे 80 मानता है और कोई देश इसे 83 मानता है। जो जो 83 मानता है वो तो ऊपर ऊपर जाएगा। अब जैसे मान के चले भारत कहेगा कि हम 80 मानते हैं, अमेरिका कहेगा 83 मानते हैं, तो जाएगा, अब भारत चल जाएगा किसी क्षेत्र में 80 में, कहेगा हम तो कार्मन लाइन के ऊपर है, तो कहेगा मार के गिरा देंगे, कहेगा एयरक्राफ्ट है ये, तो इसमें काफी असमंजस है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर कोई जहाज जाते नहीं है सब यहाँ पे, तो कार्मन लाइन हमेशा याद रखिएगा, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह अंतरिक्ष वगैरह में जितने सेटेलाइट वगैरह रहते हैं कार्मन लाइन के ऊपर ही डाल दिए जाते हैं। इस तरह से जो सैटेलाइट घूमता है इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट, ऊपर नीचे जो घूमता है ये पोलर सैटेलाइट। ये पोलर इसलिए कहते हैं कि ध्रुवी सैटेलाइट, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर और नीचे दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो पोल का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट। इसमें खर्चा कम आता है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते, निगरानी कर लेते हैं। कैसे? ये तो ससुरा सैटेलाइट वो ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरह से। तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो अलग अलग जगह का फोटो ले लेगा, जैसे अभी ये यहां का फोटो ले रहा है, पृथ्वी थोड़ा सा घूमेगी तो फिर थोड़ा और आगे का ले लेगा, पृथ्वी और घूमेगी तो थोड़ा और आगे का ले लेगा। इस तरह से आगे लेते लेते पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन, अभी इस सेटेलाइट का फोकस यहां पर है, अब इसे पृथ्वी घूमेगी तो थोड़ा और इधर होगा, ऐसे होगा। तो पोलर सेटेलाइट काफी सस्ते आते हैं और छोटे होते हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट होते हैं उस ससुरे इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनको छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। हम लोग इसको छोड़ने के लिए जीएसएलवी रॉकेट रखे हैं, तो हमारे पास हर तरह के रॉकेट है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो बनाए हैं एसएसएलवी, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सस्ते रॉकेटों को छोड़ देगा। पीएसएलवी थोड़ा और तगड़ा भेजेगा, जीएसएलवी बाप है ससुरा सेटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सेटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सेटेलाइट उठा लेता है। और जीएसएलवी मार्क 3 दादा है ससुराई, 5,000 किलोग्राम का सेटेलाइट लेके अंतरिक्ष में उड़ जाता है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे पास हर तरह के सेटेलाइट हैं, हर तरह के जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने इसे बना के रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाला है तो एसएसएलवी का काम आने वाला है, जो अभी हल्का सा फेल हुआ है, मतलब वो 98% सफल है, उसका एक सेंसर गड़बड़ हो गया था। एसएसएलवी की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं समझिए ध्यान से, एक ससुरा ये 72 घंटा में रेडी हो जाता है, मतलब ये पार्ट बाय पार्ट बन के बना रहता है, इसे कसने के लिए केवल 72 घंटा चाहिए, 3 दिन, 3 दिन में ये रेडी हो जाता है, और इसे केवल 6 आदमी मिलकर रेडी कर सकते हैं, और हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है, हर हफ्ते फटाफट 3 दिन में लॉन्च होगा, और समय देख के मौसम ठीक है कि नहीं सब कुछ ठीक है लॉन्च कर देंगे, फिर हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है, महज 30 करोड़ में आता है, 30 करोड़ में। जबकि अगर आप स्पेस एक्स से सेटेलाइट छोड़वाते हैं तो 100 करोड़ तो खुद ही ले लेता है, यहां तो 30 करोड़ का पूरा रॉकेट वे है और खाली छोड़ने का 100 करोड़ ले लेता है। अब कोई देश वेट नहीं करेगा क्योंकि हर हफ्ते ये भेज सकता है। जबकि हमारे पास जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है इनकी खराबी समझिए, एक तो सबसे इनको रेडी करने में 3 महीना लग जाता है, और दूसरा ये सस्ते 30 करोड़ के नहीं 200 करोड़ के,
और जीएसएलवी को तो रेडी करने में 4 महीना लग जाता है, यानी अगर किसी को सैटेलाइट से लॉन्च कराना है हमारे जीएसएलवी से तो 4 महीने की वेटिंग लिस्ट है। आपको किसी ट्रेन में 4 महीने का वेटिंग मिलेगा तब ट्रेनें छोड़ देंगे उसको, तो इसमें 3 महीना, इसमें 4 महीना। इस ससुर इसका खुद का खर्चा 400 करोड़ है, तो ये तो पैसा भी लेता है ज्यादा। इसी वजह से आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर चीज छोटा होते जा रहा है। पहले शादी ब्याह में कैमरा करने वाला इतना बड़ा कैमरा लेके आता था, अभी नॉर्मल कैमरा आ गया है। तो हर चीज अब छोटी होती जा रही है, हल्की होती जा रही है और काम पहले से 5 गुना कर रही है। इसलिए अब भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है, अब हम लोग छोटे रॉकेट से भी काम चला लेंगे, अब इतना भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का मेन फोकस है एसएसएलवी पे और ये पूरी दुनिया में राज करेगा। और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत होगा किसको, तो स्पेसएक्स को, बहुत ज्यादा उसको सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत है। तो हमारे यहां विदेशी ग्राहक बहुत आते हैं कि हमारा सैटेलाइट छोड़ दो क्योंकि आपका रॉकेट बहुत सस्ता है, हमें सस्ता पड़ता है। तो हम लोग के पास एक पहला लॉन्च पैड था केरल के थुम्बा में, उसका नाम था विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र। तो ये विक्रम साराभाई था, हालांकि हम सबसे ज्यादा यूज करते थे आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में हम लोगों ने 2 लॉन्च पैड बना रखे थे, दो लॉन्च पैड बना रहे थे, इसी से जीएसएलवी को भी लाते थे। देखिए ब्लैक कलर का जो होता है वो जीएसएलवी होता है, रेड कलर का जो होता है वो पीएसएलवी होता है। तो इसी में एक में जीएसएलवी बना दिए, एक में पीएसएलवी। तो हमारे पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में एक और था, अभी हम लोग एक चेन्नई में और बना रहे हैं। चेन्नई में अभी इसमें प्लान चल रही है, जैसे हो जाएगा हम आपको बताएंगे, नीचे बनाया जा रहा है। तो हमारे पास टोटल अब 3 लॉन्च पैड होने वाले हैं, 2 तो पहले से थे, अब ये नीचे वाले की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम लोग अभी समझेंगे। लोग ध्यान से समझिए, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो ऊपर से नीचे चक्कर लगाते हैं पोल पे, तो इन्हें छोड़ा भी जाता है उसी डायरेक्शन में। हम लोग के लिए समस्या समझिए, हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब छोड़ते हैं तो बीच में ससुरा श्रीलंका चलाता है, तो बीच में श्रीलंका आ जाता है, इसलिए हमें पहले रॉकेट को ऐसे मनुवर करा के घुमाना पड़ता है और तब जाके इसको छोड़ते हैं हम लोग ऐसे, नहीं तो श्रीलंका के ऊपर गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जब आप किसी से मनुवर कराइएगा, उसको थोड़ा घुमाइएगा, तो ज्यादा ईंधन खाएगा, ज्यादा खतरा बना रहेगा घूमने के दौरान ठीक से घुमा कि नहीं घुमा। इसलिए भारत ने सोचा कि इसका झमेले खत्म कर देते हैं, जो हमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट छोड़ना है, जो पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाते हैं 36,000, उसको तो सीरियल यहीं से छोड़ेंगे, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से छोड़ेंगे। और जो पोलर छोड़ना है वो कहां से छोड़ देगा, नीचे से, क्योंकि जब नीचे यहां से छोड़िएगा तो श्रीलंका को इसे क्रॉस करा के फिर जाना पड़ता है, और यहां से छोड़ेगा कोई नहीं है नीचे, नीचे में कोई नहीं है, देखिए ध्यान से, नीचे से छोड़ेगा तो समुद्र में कोई नहीं है। इस वजह से हम लोग तमिलनाडु में एक तीसरा प्रक्षेपण केंद्र भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग के इसरो का इतिहास बहुत मतलब दुखदाई रहा है, हम लोग के पास इतने कम पैसे थे जब इसरो की स्थापना हुई थी कि साइकिल से हम लोग लेके जा रहे थे लोग रॉकेट को यहाँ पे, साइकिल से, देखिए पार्ट बाई पार्ट करके यहाँ पे बैलगाड़ी से हम लोग ये सैटेलाइट को लेके आए थे लोग, और नारियल के पेड़ से बांध के साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बहुत चीजों को देखा है, और ये जो लड़कियों ने जिस सैटेलाइट को बनाया उन बच्चियों से कहते हैं कि आप अपना कभी भी मनोबल छोटा मत कीजिएगा, हमारा उस सैटेलाइट से संपर्क टूटा है, कसम से कहते हैं हमारा संकल्प नहीं टूटा है, हमारा संकल्प आज भी जिंदा है, हम यहां से उठ के खड़े हुए हैं। इसरो जो आज इतने बड़े बड़े जो सैटेलाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग वही हैं जो साइकिल पे लेके घूमे थे। तो हमारा संपर्क टूट जाने से विरोधी हमारे पे हंसे नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं लोग यहाँ पे, और भारत माँ की वो बेटियां एक दिन दिखाएंगी जब अंतरिक्ष में राज होगा वहां पर ये सैटेलाइट यहाँ पे। और दुश्मनों को सरदर्द के लिए, जो लोग अभी पीएसएलवी से एसएसएलवी से डर रहे थे ना, सुनिए ध्यान से, जीएसएलवी तो बहुत पावरफुल है, ये है पीएसएलवी दुनिया का सबसे भरोसेमंद है, अभी एसएसएलवी सही हो ही गया, अभी एनएसएलवी भी बन रहा है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी एक किलो के सैटेलाइट को भी छोड़ देगा, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 5 करोड़ में, 5 करोड़ में। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ला को, स्पेसएक्स को, क्योंकि स्पेसएक्स अपना एक स्टारलिंक प्रोग्राम बना रहा है, इसको अंतरिक्ष में बहुत सारे हजारों सैटेलाइट इसको छोड़ना है अंतरिक्ष में, और नैनो सैटेलाइट इन्हें छोड़ने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आता है एक नैनो सैटेलाइट में, हम लोग का सैटेलाइट हुए 5 करोड़ में, 2 को छोड़ देंगे एक के बार में होलसेल में काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक और बना रहे हैं एनएसएलवी, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है अपने 3 लॉन्च पैड बना रहा है, ताकि उसे 3 लॉन्च पैड की जरूरत भी है। तो हम लोग इस चीज को समझे यहां पर, ये बहुत भारी भरकम। एक चीज और गौर किए होंगे, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इसमें से ये कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं, एक्चुअली ये टुकड़े नहीं होते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर पैड। जब सैटेलाइट खड़ा रहता है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ईंधन, वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखना चाहिए, तो धूप लगेगा, एक दिन पहले ही टांग के रख देता है तो ठंडा, इसके सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडाहट खत्म हो जाएगी, इसलिए इसके बाहर में इंसुलेटर का पैड चिपका देता है, जहां जहां लिक्विड इंजन होता है वहां वहां इंसुलेटर का पैड लगा देता है। और जब ये सैटेलाइट ऊपर उठती है तो घर्षण
से यही बाहर गिरने लगता है। आई होप आप पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी, एनएसएलवी समझे होंगे, और आप उम्मीद करते हैं कि इसरो और आगे बढ़ेगा और पूरे देश का नाम गर्व से ऊपर करेगा यहाँ पे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट।